हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपसे आपकी पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जिसमें अपन चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स जो आने वाली अपनी रिट एग्जाम है उसका जो अपना साइंस का सिलेबस है उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने चर्चा की थी फ्रेंड्स जो अपनी बायोलॉजी की जो मुख्य ब्रांचेज होती है उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी, बायोलॉजी ब्रांचेज के बारे में। और उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए अपन चर्चा करते हैं फ्रेंड्स सेल्स के बारे में। सेल्स क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और आपकी नजर में जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी अपने चैनल से जल्दी जोड़ने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, सेल्स से अपन सबने नॉर्मल सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो सेल्स के बारे में अपन उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं जिनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे टॉपिक्स। तो सबसे पहले तो जो सेल्स का जो अध्ययन होता है वह अपन देखें तो साइंस की कौन सी ब्रांच के अंदर किया जाता है? तो एक ब्रांच आती है साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे कोशिका विज्ञान कहते हैं, जिसमें कोशिका से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी कि कोशिका से किस प्रकार से जीव का शरीर का निर्माण होता है, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने को भी पता है फ्रेंड्स, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? एक तो होते हैं अपने एक कोशिकीय जीव होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये टू टाइप्स अपन मानते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर। एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण सिंगल सेल से होता है, और शरीर की जितनी भी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है वो उसे एक कोशिका के ऊपर ही डिपेंड करती है। जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें अपन देखते हैं शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है, और प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं क्या होती है? उत्तरदायी होती है। एक कोशिकीय जीवों में अगर पूछे तो अमीबा, पैरामीसियम, यूग्लेना वगैरह काम में लेते हैं। बहुकोशिकीय जीव जंतुओं में जो अपन देखते हैं स्तनधारी जीव जंतु, मनुष्य वगैरह, इनको शामिल कर सकते हैं। अब इससे आगे अगर अपन बात करते हैं तो सेल्स की अगर अपन पूछे डेफिनेशन या परिभाषा, तो सेल्स क्या होती है फ्रेंड्स? यह फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी इसे अपन कहते हैं। फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक इकाई, यानी कि यह शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के द्वारा ही शरीर की संरचना यानी कि बॉडी की आकृति बनती है, संरचना बनती है। और फंक्शनल यूनिट यानी कि सारे कार्य क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बॉडी की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, तो वही क्या होती है? सेल्स होती है। अब इससे आगे अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन किससे आता है? इसकी खोज से, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी। अब देखिए, सीधा क्वेश्चन आता है तो अपन कह देते हैं कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 के अंदर यह खोज की गई थी। लेकिन अगर इसी में थोड़ा डिटेल से जाए तो अपन देखते हैं, एक तो होती है मृत कोशिका और एक होती है जीवित कोशिका। मृत कोशिका की अगर अपन बात करते हैं, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 के अंदर अपन मानते हैं यह खोज की थी। किसमें की थी? कॉर्क के टुकड़े में की थी। कॉर्क के टुकड़े में की थी। किसके द्वारा की थी? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, और यह सूक्ष्मदर्शी इन्हीं के द्वारा निर्मित थी, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की। तो सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने देखा तो इन्हें क्या दिखाई दिया फ्रेंड्स? छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिए, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, मधुमक्खी छत्ते समान छिद्र दिखाई दिए। और इन छिद्रों को इन्होंने क्या नाम दिया था फ्रेंड्स? इन्होंने इन छिद्रों को नाम दिया सेलुला नाम दिया उस समय, और बाद में आगे जाकर इन्हीं को क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया गया। ये जो सारी बातें जो इनके द्वारा बताई गई, इसके लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स। उस पुस्तक में इनका वर्णन देखने को मिलता है, और उस पुस्तक का क्या नाम था? माइकोग्राफिया। कई बार उस पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, तो पुस्तक का नाम क्या था फ्रेंड्स? माइक्रोग्राफिया।
ये पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया। ये नाम अपने को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कौन सी पुस्तक में प्रकाशित किया गया मृत कोशिका के बारे में। बाद में दूसरी कोशिका की अगर अपन बात करते हैं तो वह कौन सी आती है, अपनी जीवित कोशिका आती है, और उसकी खोज किसने की थी, एंटवॉन ल्यूवेनहॉक। एंटवॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी और यह की गई थी लगभग 1674-75 में, अपन मानते हैं इसे खोजा गया था। और इसे खोज करके जो नाम दिया गया था वह क्या था, वह नाम था जंगली एनिमल कूल्स नाम दिया गया, यह नाम दिया गया। और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स, उस पुस्तक का नाम अगर पता हो तो सीक्रेट ऑफ नेचर, पुस्तक थी सीक्रेट ऑफ नेचर, ये पुस्तकें लिखी थी। तो क्वेश्चन है, अगर रॉबर्ट हुक की पुस्तक पूछे तो क्या है, माइक्रोग्राफी है, और एंटवॉन ल्यूवेनहॉक की पूछे तो सीक्रेट ऑफ नेचर है। ये तो बात हुई इनकी खोज से संबंधित और क्वेश्चन है पूछे तो देखिए, सेल्स का अध्ययन साइटोलॉजी में कोशिका विज्ञान कहते हैं इसे। फिर कोशिका संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। फिर सेल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं जिससे बॉडी का निर्माण होता है, शरीर की संरचना और क्रियात्मक इकाई होती है। खोज मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर के टुकड़े में की थी, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की थी, स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी थी। देखने पर मधुमक्खी छत्ते समान चित्र दिखाई दिए जिन्हें सेलुला नाम दिया और बाद में कोशिका कहा गया। ये तो मृत कोशिका। जीवित कोशिका एंटवॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, 1674-75 में खोज हुई थी, जंगली एनिमल कुल्स नाम दिया उसे और पुस्तक सीक्रेट ऑफ नेचर में इसके बारे में प्रदर्शित किया। ये भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हुई थी। अब इससे हटकर अगर सेल्स से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आता है सेल्स के बारे में, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, अपने मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो उनके ऊपर भी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए उनसे संबंधित क्या क्या अपने को क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर जीव जगत की बात करते हैं फ्रेंड्स, जीव जगत की, तो जो लार्जेस्ट सेल होती है वह कौन सी होती है, लार्जेस्ट अपन गए तो वह मानी जाती है अपनी बड़ी कोशिका कौन सी होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये अपन मानते हैं बड़ी कोशिका अपने माने तो कौन सी होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा अपने मानते हैं। और इस बड़ी कोशिका की अगर व्यास पूछ लिया जाए तो क्या होता है, 175 nm क्या होता है इसका व्यास से होता है। अगर यहां पर जीव जगत की छोटी कोशिका पूछी जाए तो वह कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। कौन सी होती है फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा होती है। और माइकोप्लाज्मा अगर ऑप्शन में ना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, पीपीएलओ, प्लूरोपिलाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से इसे जानते हैं। इसका व्यास अगर पूछा जाए तो इसका व्यास 0.1 माइक्रोन या 0.001 एनएम में लिखते हैं, ये इसका व्यास माना जाता है। ये तो ये जीव जगत की बड़ी और छोटी। अब अगर मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स बड़ी और छोटी का, तो वहां पर अपने को क्या करना होता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मानव शरीर की बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यकृत होती है। कई स्टूडेंट्स यहां पर क्या करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि गलत है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका क्या है कि लंबी कोशिका होती है। लंबी अगर पूछे तो अपना आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका जाएगा। वह डिपेंड करता है अगला बड़ी कोशिका पूछ रहा है या लंबी कोशिका पूछ रहा है। और तंत्रिका कोशिका की अगर अपने से लंबाई लगभग पूछी जाए तो वह कितनी होती है, 3 फीट तक अपन मान सकते हैं लंबाई मानी जाती है। फिर अगर पूछी जाए छोटी मानव शरीर की, तो वह अपन देखते हैं कौन सी, जो अपने शुक्राणु सेल्स जो होती है वह क्या होती है, छोटी मानी जाती है। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका से संबंधित, जीव जगत की बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, मानव शरीर की बड़ी कोशिका, लंबी और छोटी। तो जरूर याद रखना,
जीव जगत की बड़ी शत्रुमुर्ग कांड 175 nm व्यास, छोटी माइकोप्लाज्मा 0.1 μm व्यास होता है, मानव शरीर की बड़ी यकृत कोशिका होती है, लंबी अगर पूछे तो तंत्रिका कोशिका होती है, छोटी पूछे तो कौन सी होती है फ्रेंड, शुक्राणु कोशिका होती है। तो ये थी सेल से संबंधित सामान्य जानकारी जिनसे क्वेश्चन पुट अप होता है। इसके बाद में आगे चर्चा आती है अपने सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे, जिनके द्वारा बताया गया था प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है, कोशिका विभाजन से अपन मानते हैं नई कोशिका का निर्माण होता है। तो वैज्ञानिकों ने जंतुओं और पादपों में अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है फ्रेंड्स, अपने को शेयर भी करना है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।